ये कंडक्टिंग रिंग है पूरी, और बी वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रही है। पॉइंट्स लोकेट कर रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रही है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ए बी पॉइंट, सी डी पॉइंट और ई एफ पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। जैसा अभी हमने देखा कि आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, आप इसको एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जब बी वेक्टर यूनिफॉर्म है, तो इसलिए आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, स्ट्रेट वायर मान लीजिए ए और बी के, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ए और बी वायर जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो आप देख लीजिए कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए बी वी एल, लेंथ कितनी हो जाएगी, आर रेडियस है तो 2 आर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बी वी इंटू 2 आर। जब इसमें लाएंगे तो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वो भी सबने सही बता दिया, ऑलमोस्ट सबने सही बता दिया कि सी डी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो लेंथ के पैरेलल हो जाएगी, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं, इसलिए वी सी माइनस वी डी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वी सी माइनस, हाँ वी क्रॉस बी सी भी दे सकते हो, वी क्रॉस बी परपेंडिकुलर आ रहा है, लेंथ इसके अलॉन्ग है, तो डॉट डी एल वैक्टर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वैसे भी देख सकते हो। या बढ़िया आप यही है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करें और बी वी एल लगा दें बेटा, जल्दी इसी से होगा। अब आपका ई एफ आता है, तो ई एफ में भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर तो चुके हैं, बी वी एल में इसको अप्लाई करना है। क्रॉस प्रोडक्ट से जाएंगे, एक स्टेप ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2 स्टेप ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें बी वी एल लगाया करें, है वी क्रॉस बी डॉट डी एल से भी आ जाएगा, बट जब आपने वो चीज़ पढ़ ली है फटाफट, तो उसको क्यों नहीं अप्लाई करें 1 सेकेंड। ये वी कॉस 60 आपको पता है कौन सा कंपोनेंट देखना है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया आपने ई और एफ को, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ तो वही 2 आर आ जाएगी, बट आपको पता है लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा, एफ वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, ये भी क्लियर है आपको, वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, ये भी क्लियर होना चाहिए कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा। तो वी एफ माइनस वी कितना आ जाएगा, वी वी साइन 60 इंटू 2 आर आ जाएगा, चेक कर लो आप, वी वी एल लगाया मैंने, वी वी साइन 60 इंटू 2 आर आ जाएगा। साइन 60 कितना है, √3/2, तो √3 इंटू बी वी इंटू आर, ये आंसर आ गया ई और एफ, बी माइनस बी एफ का तो ये आंसर है। बताइए बेटा इसमें कहीं डाउट आपको?